नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सागर के राहतगढ़ में शेयर एंड केयर सोसाइटी के द्वारा गणतंत्र दिवस के आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के द्वारा किए जाने वाले काम काजों में जन समुदाय के द्वारा सहयोग करने का संकल्प दिलाया गया। सागर जिले के राहतगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2020 शेयर एंड केयर सोसाइटी के द्वारा सभी के साथ मनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कामों का सभी महिलाओं बच्चियों को साथ देने की शपथ दिलाई। वह 84 वर्ष तक की महिलाओं को पढ़ाई, सिलाई, जूट का काम बुनकर लड़कियां काम सीखने आती हैं। कार्यक्रम में उपस्थित शेयर एंड केयर सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी भोपाल, सैयद सोहेल हसन अध्यक्ष, फाउंडर सपोर्टर्स इम्तियाज भाई, एक्टिव मेंबर इफ्तियार बार खान, एक्टिव मेंबर नरगिस मैडम, सुपरवाइजर साजिदा टीचर सहित क्षेत्र के प्रमुख नागरिक, महिला व बच्चियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। 2020 से मैं सुहेल हसन और मेरे साथ इफ्तिखार खान साहब भोपाल से शेयर एंड केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन हूं और हमारे साथ बहुत एक्टिव मेंबर हमारे इफ्तिखार खान साहब हैं और हमारे साथ में जो ये यहाँ के सेंटर के नरगिस मैडम जो यहाँ का सेंटर संभालती हैं और ये सभी महिलाएं जो हैं और बच्चियां जो हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आती हैं। पढ़ाई, सिलाई और लकड़ी के कुछ डेकोरेशन के आइटम, जूट के आइटम और कई किस्म की चीज़ें यहाँ सीख रही हैं। शेयर एंड केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी इन महिलाओं की बहुत बहुत शुक्रगुजार है और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के उनका जो प्रोग्राम चल रहा है कि महिलाओं और कन्याओं को आगे बढ़ाने में, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश है शेयर एंड केयर की कि हम जी जान लगाकर उनके जो है जितनी योजनाएं हैं और जिनके सपने हैं उनको हम साकार बनाने की कोशिश करें। इन सबको साथ देने के लिए हमारे साथ ये बुजुर्ग माताएं जो हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो 84 साल 84 ईयर्स तक की हैं, वो यहाँ विशेषकर जो है हरिजन आदिवासी, ये जो कुछ दूर के इलाके में रहते हैं यहाँ आदिवासी हमारी माताएं बहनें वो यहाँ आती हैं, कुछ पिछड़े वर्ग की भी आती हैं और कुछ हमारी हिंदू बहनें, कुछ हमारी मुस्लिम बहनें, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम सीख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम जो है इस योजनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे गोविंद सिंह राजपूत जो हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं उनके कामों में हम सब जो है मिलकर उनके कामों में साथ दें। विशेषकर हमारा ये कर्तव्य बनता है और ये ट्रेनिंग रहती है कि हम सब लोगों को, महिलाओं को और बच्चियों को, बच्चों को सरकारी कामकाजों में जो है कमियां ना ढूंढ कर, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा देश है, कहीं कोई अगर कमी रह जाती है जो शेयर एंड केयर जो है कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के सभी कामों में साथ दे कि हम पुलिस, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी और हमारे नेताओं के कामों में साथ देंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी हमारे जो है यहाँ आने वालों का। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शेयर एंड केयर की तरफ से और आप सबको जो है 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और सभी नागरिकों की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इम्तियाज साहब जो है वहाँ से रिप्रेजेंट हुए हैं दो चैरिटी की तरफ से, हेल्प एवरी पर्सन और माउंट प्रेजेंट एसोसिएशन चैरिटी। हम शुक्रगुजार हैं शेयर एंड केयर और यहाँ बस्ती वाले यहाँ बहुत ही अच्छे जो काम हो रहे हैं। 84 साल की 84 ईयर्स तक की लेडीज़ जो है यहाँ खासतौर से पिछड़े वर्ग की जो बस्ती से दूर रहती हैं वो इतने दूर तक आती हैं, पढ़ाइयाँ भी कर रही हैं, उसके साथ साथ सिलाई का काम, कारपेंट्री और जूट का काम, और ये बच्चियाँ भी यहाँ बहुत सारी आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका सपना है कि हमारे कमलनाथ जी का कि हम महिलाओं को और कन्याओं को आगे बढ़ाएं, तो उसके साथ में जो है हमारे माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सब इन लोगों का साथ दें, हमारे सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस, इन सब का साथ दें और इनकी योजनाओं को कामयाब बनाएं।
हमारा कर्तव्य होता है कि किसी भी डॉक्टर पुलिस या सरकारी कर्मचारी या हमारे माननीय नेता लोग इनके कामों में कोई भी कमियां ना निकाल कर इनके कामों में हाथ बटाएं। ये शेयर एंड केयर यही सबको सीख देता है या बस्ती के अंदर, हर बस्ती के अंदर, कि हम अपने कर्तव्य को निभाएं, दूसरे की कमियां ना ढूंढें। इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा मुल्क है और इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ ना कुछ कहीं अगर कमी रह जाती है तो हम सब उनका साथ देकर और उनकी योजनाओं को कामयाब बनाने में साथ दें। बहुत अच्छे तरीके से हमारे माननीय मंत्री लोग, हमारे सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। शेयर एंड केयर भी ये चाहता है, इन लोगों को यही तरबियत देता है, यही सीख देता है इन बच्चों को, इन महिलाओं को, बस्ती वालों को, कि हम जो है इनके काम आके अपने देश को तरक्की पे पहुंचाएं, देश का नाम रोशन करें। साथ ही साथ इनको स्वच्छ भारत योजना, हमारा प्रदेश को साफ रखने का, और दूसरे तंबाकू मुक्त जो है, पॉलिथिन मुक्त जो है, उसकी भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि हम सफाई रखें, इन सब चीज़ों को जो हमारी योजनाएं उनको सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हुआ हमें माउंट प्लेजेंट एसोसिएशन और हेल्प एवरी पर्सन निधि का, और उसके साथ साथ जो भी हमारे डोनर्स हैं, शेयर एंड केयर वेलफेयर सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर है जो जरूरतमंद जगहों को ढूंढ के आपको काम बताती है। आप सब डोनर्स के जरिए ही यहाँ एजुकेशन और मरीजों के काम चल रहे हैं। मैं सुहेल और हमारे साथ इफ्तिखार साहब जो मेडिकल और पूरे हमारे चैरिटी काम साथ में देखते हैं, ये हमारे इम्तियाज साहब हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।